तो हेलो गाइस, स्वागत करता हूँ आज के कौन वीडियो में। एंड गाइस, आज की वीडियो में गाइस यहाँ पे देख लेगा बोर्ड की तरफ से जो यहाँ पे आने वाला बर्ड्स उसके बारे में यहाँ पे बात करने वाले हैं। एंड गाइस, बर्ड्स का जो नाम होने वाला देख लेगा 170 यहाँ पे होने वाला बोर्ड्स की तरफ से ईयरबड्स से। एंड गाइस, इसके साथ बता दूंगा इसका फुल रिव्यू देने वाला हूँ। इस बड्स में आपको कैसा आवाज में जाता है, कैसा क्वालिटी में जाता है, कैसा गाइस बिल्ड क्वालिटी होता है, या फिर गाइस कैसे यहाँ पे इसका रिव्यू वगैरह होने वाला। साथ साथ ये भी बता दूंगा इसका मेरे पास बॉक्स नहीं है, देख लेगा बॉक्स का क्या अनबॉक्सिंग वीडियो तो आप देख ही सकते हो। बट गाइस, इसका जो रिव्यू वीडियो होता है कि यहाँ पे गाइस कैसा उसमें वर्क करता है, कैसा क्या करता है, कैसा होता है, और गाइस सब कुछ यहाँ पे आपको दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले गाइस यहाँ पे अगर आपको एक चीज याद दिलाना चाहता हूँ, अगर अपने चैनल पे नए हो तो प्लीज गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसे और वीडियोस के लिए गाइस यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट करोगे तो जितनी भी मेरी आने वाली वीडियो होगी आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। चले गए, इसके बाद आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं एंड देखते हैं गाइस इस वाले बर्ड्स के अंदर आपको क्या क्या चीजें देखने को मिल जाती है। सो गाइस, सबसे पहले बात कर लेते हो यहाँ पे जो कि गाइस आपको बॉक्स के अंदर या फिर गाइस जब आप यहाँ पे प्रोडक्ट लेते हो तो उसके ऊपर क्या लिखा रहता है, या फिर गाइस क्या क्या इसके ऊपर कंपनी वाले दावा करते हैं कि इसमें आपको क्या क्या देखने को मिल जाता है, उसके बाद बात करेंगे गाइस कि ओरिजिनल में इतना वर्क करता है या नहीं करता। तो सबसे पहले जान लेते हैं गाइस कि इसकी क्या क्या स्पेसिफिक वगैरह है। तो सबसे पहले स्पेसिफिक की बात करते हो देख लेगा यहाँ पे 50 आवर तक प्ले टाइम देखने को मिल जाता है अगर इसको फुल चार्ज करोगे तो। क्विक माइक का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, वन टच का वॉइस असिस्टेंट खुल जाता है यहाँ पे बोर्ड पे, यहाँ पे सिग्नेचर साउंड देखने को मिल जाता है। टेक्नोलॉजी की बात करते हैं IWP यहाँ पे टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाता है। ब्लूटूथ की बात करते हो ब्लूटूथ 5.3 वर्जन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। IPX4 वाटर रेसिडेंट के साथ आता है, जी हाँ जी का यहाँ पे IPX4 वाटर रेसिडेंट के साथ आता है, यानी कि थोड़ा बहुत भी पानी चला जाएगा, यानी हल्का फुल्का तो कुछ नहीं होगा। बाकी गाइस अगर चार्जिंग की बात करो 10 मिनट चार्ज करोगे तो 180 मिनट का यहाँ पे गाइस प्लेबैक देखने को मिल जाता है। और गाइस इसकी वारंटी की बात करते हो यहाँ पे 1 ईयर का वारंटी देखने को मिल जाता है जो कि इसके अंदर देखने को मिल जाता है, इस ऊपर देखने को मिल जाता है। और गाइस इसकी रेटिंग वगैरह की बात करते हो उसके लिए आपको सिंपली मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर गाइस चेकआउट कर सकते हो कि इसकी रेटिंग वगैरह क्या दे रखा है यहाँ पे गाइस पब्लिक लोगों ने। बाकी गाइस ये तो मैंने आपको वो सारी चीजें बता दिया जो कि गाइस इसका यहाँ पे गाइस कंपनी वाले दावा करते हैं, एंड गाइस के बॉक्स के ऊपर जो लिखा रहता है वो सारी चीजें यहाँ पे आपको मैंने बता दिया। चलिए गाइस बात करते हैं इतना इसकी चीजें काम करती है नहीं करती। सबसे पहले बात कर लेते हैं यानी कि गाइस यहाँ पे जो ओरिजिनली यहाँ पे वर्क करता है वो कैसा रहता है। तो इसकी सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके डब्बे की, यानी कि इसकी बिल्ड क्वालिटी कैसी है। तो देख लीजिए इसकी अगर बिल्ड क्वालिटी देखोगे तो काफी अच्छी देखने को मिल जाती है। फ्रंट में आपको बोर्ड देखने को मिल जाता है यानी कि इस कंपनी के लोगों की तरह, यहाँ पे गाइस कंपनी का यहाँ पे नाम देखने को मिल जाता है बोर्ड कंपनी का। एंड गाइस साइड में आपको लोगो देखोगे तो थोड़ा सा कर्व देखने को मिल जाता है। नीचे की तरफ देखोगे तो आप सी टाइप केबल देखने को मिलेगा जो कि गाइस चार्जिंग की तरह इस्तेमाल कर सकते हो। एंड गाइस इसके अंदर आपको लाइटिंग देखने को मिलता है जो कि गाइस चार्जिंग के लेवल वगैरह ही बताता है, जिसमें गाइस आपको यहाँ पे 4 लाइट देखने को मिलता है जो कि गाइस चार्जिंग का लेवल बताता है, अगर कम चार्ज होगा तो 2-3 जलेगा, बाकी गाइस अगर फुल चार्ज होगा तो 4 के 4 जलेंगे। तो इसी बात बता दूंगा इसकी बर्ड्स की बात करते हो दोनों को तो देख लेगा यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है वन टच यहाँ पे गाइस वॉइस असिस्टेंट देखने को मिल जाता है जो कि गाइस आप वन टच करोगे अपने बर्ड्स पे तो यहाँ पे वॉइस असिस्टेंट खुल जाता है आपके फोन के अंदर। बाकी गाइस बर्ड्स पे भी देखोगे तो लोगो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, दोनों तरफ लोगो देखने को मिलेगा, लेफ्ट एंड राइट लिखा देखने को मिलेगा, काफी अच्छा यहाँ पे आपको बर्ड्स देखने को मिल जाता है। एंड इसी के बाद दूंगा इसके कलर भी बहुत सारे आते हैं। तो गाइस अगर कलर की बात करो देख लेगा जो मेरे पास कलर है यहाँ पे आपको गाइस ब्लू कलर देखने को मिलेगा, इसके अलावा गाइस व्हाइट एंड गाइस अलग अलग कलर भी आपको देखने को मिलेगा। और गाइस इसके अगर साउंड क्वालिटी की बात करो तो देख लेगा इसकी जो साउंड क्वालिटी है कुछ इस तरह का आपको देखने को मिल जाता है। एंड साउंड क्वालिटी के बाद गाइस आपको यहाँ पे देख लेगा यहाँ पे डिस्टेंस भी आपको दिखा दूंगा कितने डिस्टेंस तक यहाँ पे आपको बर्ड्स आपके फोन से कनेक्ट रहेगा, तो वो भी मैं टेस्ट करके दिखाऊंगा। सबसे पहले जान लेते हैं इसकी यहाँ पे देख लेगा इसका जो यहाँ पे ओरिजिनल जो आवाज है वो कितना देता है, कितने इसकी आवाज होती है तो देख लेगा इसका जो आवाज रहता है ओरिजिनली वो कुछ इस तरह का रहता है। और लेट गाइस आवाज वगैरह तो आपने सुन लिया, सुनने के बाद यही देख लेते हैं इसके जो डिस्टेंस है, अगर आप फोन से कनेक्ट करते हो, अगर आप बाहर जाते हो या फिर थोड़ा सा दूर जाते हो तो वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता है या फिर गाइस कितना यहाँ पे डिस्टेंस रख लेता है वो भी मैं आपको यहाँ पे टेस्ट करके दिखा देता हूँ। तो देख लेगा इसमें मैंने यहाँ पे टेस्ट करके दिखाया है। और लेट गाइस अब बारी आएगा इसकी रेंज चेक करने की, इस वाले बर्ड्स में कितना यहाँ पे रेंज देता है अगर मैं इसको फोन को रखता हूँ। तो यहाँ पे गाइस मैं यहाँ पे फोन रखने वाला हूँ और देखने वाला हूँ कि कितना यहाँ पे ये रेंज देता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे म्यूजिक प्ले कर लेते हैं बुलेट गाइज, एंड वॉल्यूम मैंने बढ़ा लिया है, आप देखते हैं। देख लिया गाइज बर्ड्स का डिब्बा और यहाँ पे मैंने फ़ोन रख दिया है, बाकी कनेक्ट है ये फ़ोन इससे, अब देखते हैं गाइज कि कितना ये रेंज पकड़ लेता है। फ़ोन वहीं पे है, अब मैं यहाँ पे नीचे उतर के आपको दिखाता हूँ। इतना अभी भी गाइज यहाँ पे साउंड आ रहा है, अब देखते हैं गाइज कितना आता है। अब गाइस जो यहाँ पे देखने को मिल रहा थोड़ा थोड़ा सा कट यहाँ पे देखने को मिला, देख लेगा वहाँ पर फोन रखा हुआ है, अभी यहाँ से गाइस 10 या 15 मीटर का यहाँ पे गैप होगा तो देख लेगा यहाँ से थोड़ा कट कट यहाँ पे आवाज़ सुनाई दे रही है। अब देखते हैं थोड़ा और रेंज बढ़ा के देख लेगा, अब ये पूरा ही एकदम बिल्कुल स्टॉप होने के मोड पर आ चुका, मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे कि एकदम बंद हो रहा है चालू हो रहा है। अब थोड़ा सा और करते हैं, अब
तो गाइस बिल्कुल ही बंद हो चुका। तो गाइस इतना यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, अगर मीटर में देखोगे तो इतना आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा अगर ये वाले बर्ड्स में अगर देखोगे तो ये सारे फीचर आपको इस बर्ड्स में देखने को मिल जाते हैं। इतना सारा यानी कि गाइस 10 से 15 मीटर तक आप दूर जाओगे तब तक ये कनेक्ट रहेगा, उसके बाद गाइस अगर इससे अलग चले जाओगे तो कनेक्ट नहीं रहेगा। इसके अंदर ये फीचर मिल जाता है, बाकी फीचरों की आगे बात करते हैं। तो गाइस टेस्ट वगैरह तो आपने देख लिया है कि इतना डिस्टेंस यहाँ पे कवर कर लेता है। अगर गाइस अगर आप फोन से इस बर्ड को कनेक्ट करते हो तो इतना सारा आपको डिस्टेंस यहाँ पे कवर देखने को मिलेगा। इसी साथ बता दूंगा इसकी जो क्वालिटी है काफी अच्छी क्वालिटी देखने को मिल जाती है। देख लेगा बोट कंपनी कुछ ऐसा गाइस काफी अच्छे प्रोडक्ट वगैरह बनाता रहता है। इसी साथ बता दूंगा इसकी इसका जो बोट की जो कंपनी है काफी अच्छी यहाँ पे आपको बर्ड्स देखने को मिलेंगे, चाहे जोन से भी कलर ले लो या फिर जोन से भी यहाँ पे गाइस। ये तो गाइस 170 है, इसके अलावा भी गाइस मैंने बहुत सारे अनबॉक्सिंग कर रखा है बोट कंपनी के बर्ड्स वगैरह का, एंड गाइस सारे के सारे रिव्यू वीडियो भी मेरे चैनल पे देखने को मिलेंगे। तो उन सब वीडियोज देखने के लिए गाइस आपको लिंक में जो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है उनके थ्रू चेकआउट कर सकते हो। बाकी इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, अगर गाइस इसको परचेज करना चाहोगे तो वहां से जाकर परचेज कर सकते हो। साथ ही साथ गाइस इसकी और भी डिटेलिंग चेक कर सकते हो, देख लीजिएगा डिटेलिंग तो मैंने पहले बता दिया था, बट गाइस अगर इसकी जो ओरिजिनली जो भी चीजें होती हैं यानी कि गाइस कैसे रहता है कैसे काम करता है वो सब मैं इस वीडियो में बता ही चुका हूं। तो आज की वीडियो मुझे इतना ही बताना था, वीडियो कैसे लगा आपको कमेंट करके बता देना, चैनल पर नया होगा चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ऐसे और वीडियोस के लिए बेल नोटिफिकेशन को सेट करोगे तो मेरी जितनी भी आने वाली वीडियो होगी आपको टाइम टू टाइम मिलेगा। बाकी गाइस ये वर्ड्स काफी अच्छा है, इसको गाइस आप परचेस वगैरह कर सकते हो, रिव्यू मैंने आपको दे दिया है, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इसके अलावा गाइस अगर और भी वर्ड्स लेना चाहते हो जो कि गाइस बोट के ही होते हैं वो अदर अदर यहाँ पे गाइस अलग अलग फीचर्स के साथ आते हैं तो उनके लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया, उनके प्राइस भी अलग होंगे गाइस, उनकी क्वालिटी भी अलग होगी। बाकी गाइस ये जो 170 यहाँ पे ईयरबड्स देखने को मिल जाता है बोट की तरफ से तो इसकी फीचर एंड गाइस क्वालिटी वगैरह कुछ इस तरह का था, बाकी गाइस मैंने आपको सब कुछ बता ही दिया। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं गाइस एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गाइस जय हिंद जय भारत, देखते रहे गाइस टेक फॉर जी।